हेलो यूट्यूब फैमिली, आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं फिर से नया रेसिपी लेके आपके साथ आई हूँ और आपको देखते ही इसको पानी आ जाएगा आपके मुंह में। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। बिफोर दैट, अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए, तो यहाँ पे हम लोगों को छोटे छोटे आलू लेने हैं और ये आप देख सकते हैं बड़े आलू है, मीडियम साइज आलू है। आपको इन्नू सा आपको आलू लेना है और वॉश करके अच्छे से आपको प्रेशर कुक पे देख दे के थोड़ा सा नमक ऐड करके इसको प्रेशर कुक कर देंगे फॉर 1 व्हिसल। तो अभी हम लोगों का आलू बॉयल हो चुका है। फिर आपको दोनों हथेली से आलू को प्रेस करके एक के बाद आपको एक दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे, वैसे करके आपको प्लेट में रख लेना है और दोनों साइड से हम लोग यहाँ पे कॉर्नफ्लावर का कोटिंग कर लेंगे ताकि मॉइस्चर हम लोगों का लॉक हो जाए। फिर हम लोग चलिए बनाते हैं, एक बैटर रेडी करते हैं इसके लिए। इसके लिए आपको 2 चम्मच मैदा, 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर और 1 चम्मच हल्दी ऐड करेंगे, 1 चम्मच रेड चिली पाउडर, नमक स्वाद अनुसार ऐड करने के बाद पानी ऐड करके एक पतला सा एक बैटर आपको बना लेना है। यहाँ पे आप कंसिस्टेंसी इसका देखिए, काफ़ी रनी सा कंसिस्टेंसी है। और यहाँ पे आपको जो बैटर बनाए थे इसको अच्छे से आपको डिप करना है आलू को। उसके बाद हम लोग इसको डीप फ्राई करेंगे, गोल्डन ब्राउन होने तक अभी हम लोग फ्राई करेंगे। अभी हम लोगों का देखिए फ्राई हो चुका है, तो अभी हम लोग इसको निकाल देते हैं। तो अभी हम लोग इस आलू को चिली बनाएंगे। तो इसके लिए जो जो चाहिए यहाँ पर देखिए, टमाटो सॉस और ये मेयोनीज और पतले पतले कटे हुए ये कैप्सिकम, प्याज और छोटे छोटे मतलब थोड़ा सा ग्रेट कर लिया गया है गार्लिक और 2 ग्रीन चिली आपको लेना है। ऑयल में सबसे पहले आपको ग्रीन चिली ऐड करना है और थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे मतलब 4-5 आपको प्याज का अच्छे से मम्मी ने इसको ग्रेट किया था, तो इसका थोड़ा सा आपको कच्चापन निकालना है। इसके बाद हम लोग यहाँ पर प्याज ऐड कर देंगे। प्याज को आपको ज़्यादा फ्राई बिल्कुल भी नहीं करना है, हम लोगों को ट्रांसपेरेंट काइंड ऑफ प्याज चाहिए। तो बस थोड़ा सा ही हम लोग 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे हल्दी और रेड चिली पाउडर इसमें ऐड कर देंगे। फिर हम लोग 1/2 चम्मच यहाँ पे टिक्का मसाला ऐड कर रहे हैं और ऐड करने के बाद कैप्सिकम ऐड करके इसको फ्राई कर लेना है। हल्दी और रेड चिली आप अपने हिसाब से ऐड करिएगा क्योंकि तीखा पता नहीं कौन कैसा खाता है, तो उसी हिसाब से ऐड करेंगे। और सॉल्ट आप अपने स्वाद अनुसार ऐड करने के बाद, ये आप देख सकते हैं हम लोग का रेडी हो चुका है। ज़्यादा आपको बिल्कुल भी फ्राई नहीं करना है। और यहाँ पर मैजिक मसाला हम लोग 1 चम्मच के करीब हम लोग ऐड कर रहे हैं। मैगी मसाला डेफिनेटली ऐड करिएगा, काफ़ी टेस्टी बनता है इससे। और ज़्यादा कुक नहीं करना मैगी मसाला को। उसके बाद आप टमाटो केचप और मेयोनीज हम लोगों ने ऐड किया है, आपको जो भी सॉस पसंद हो आप वो ऐड डेफिनेटली कर सकते हैं। फिर हम लोग थोड़ा सा, बहुत ही थोड़ा सा आपको पानी ऐड करना है और गरम मसाला ऐड कर देंगे और इसको ड्राई होने तक हम लोग इसको कुक करेंगे। एंड ये फाइनली रेडी हो गया है। तो मम्मी ने इसको धनिया पत्ता से ऊपर से थोड़ा सा गार्निश किया है। मेरी मम्मी की ये रेसिपी आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइएगा। उंगलियां चाटते रह जाएंगे, ये रेसिपी इतना अच्छा रेसिपी है। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, इट मीन्स ए लॉट। एंड तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय फॉर द नेक्स्ट टाइम।